Hello, welcome friends. We are here with some verbs, some typical verbs. When we make use of them, it is generally seen that these verbs, let me read out, complain, concentrate, get up, get tired, lie down, meet, relax, remember, sit down, etc. एक जनरल रूल है कि दे नेवर टेक अ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. रीज़न क्या है इसका, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई दिस प्रोनाउन्स डोंट टेक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, व्हाई दिस वर्ब्स डोंट टेक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आफ्टर देम या बिफोर देम. सपोज आई राइट डाउन ए सेंटेंस हियर. आई concentrate on the topic, on the topic. Okay, again isi sentence ko main ek aur tarah se likhta hu. I concentrate myself, suppose aise likhta hu main, on the topic. समझ लीजिए इस सेंटेंस को और इसको, क्या फ़र्क है दोनों में. आई कंसनट्रेट ऑन द टॉपिक, आई कंसनट्रेट माई सेल्फ ऑन द टॉपिक. विच वन इज सेंसिबल, मोर एक्सेप्टेबल. दिस सेंटेंस इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज कंसनट्रेट एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें माई सेल्फ, आप जब कंसंट्रेट करेंगे तो किसी को यहाँ पर एम्फेसाइज या किसी को कोई और प्रोनाउन नहीं आएगा कि जो आपको इस तरह से ये एक्शन करने में आपकी मदद करेगा, कोई हेल्प करे. सो दिस इज़ अंडरस्टूड, कंसंट्रेशन अंडरस्टूड है कि ये खुद ही आदमी करेगा, यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. माई सेल्फ इसी के अंदर है. आई कंसंट्रेट का मतलब यही है कि आई कंसंट्रेट ऑन माई सेल्फ. माई सेल्फ इसमें माई सेल्फ रिपीट, ये रिपीटिशन हो जाएगा इसमें. सो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस. सो दीज वर्ड्स, हमने एक एग्जांपल लिया कंसंट्रेट का. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, सपोज मैं लिखता हूँ, आई कंप्लेन, आई मैं ऐसे दोबारा इसको दूसरी तरह से लिखता हूँ, I myself complain. Okay, so complain एक ऐसा प्रोसेस है कि वो आप माई सेल्फ ही करेंगे उसको. Nobody is going to help you or nobody is. This is understood कि I myself complain. So this is right sentence and this is, अगर आपने ये लिख दिया तो again there is a repetition. इसमें understood है कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्स हो रहा है, अपने आप रिफ्लेक्स कर रहा है ये वर्ब, अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्स कर रही है. इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से सपोज वन मोर वर्ब वी मेक यूज़ ऑफ हियर, आई रिमेंबर. सपोज दिस इज द सेंटेंस. इफ आई से आई रिमेंबर माई सेल्फ. सो व्हाट इज़ द सेंस हियर. माई सेल्फ कहने की यहाँ पर सेंस नहीं है. ये रिमेंबर अपने आप इसमें इम्फेसिस है कि आई रिमेंबर, इसमें ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द राइट सेंटेंस एंड दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. सो सच टाइप ऑफ वर्ब्स नेवर टेक अ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि अंडरस्टूड है इसमें. दीज आर सम टिप्स अबाउट. सो नाउ इफ आई कंक्लूड इट बाई फ्रेमिंग a rule here, a rule is there, after preposition plus after, यहाँ पर preposition की बजाय after verb प्लस प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, सो वन मोर इज ओनली आफ्टर
ओनली आफ्टर प्रेपोजिशन. देख लीजिए, इसमें कंपेयर कर लीजिए. वी टेक ऑलवेज अ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. आई हैव सम, आई हैव वन एग्जाम्पल हियर. पर्सनल, शी पुट हर बैग, शी पुट हर बैग, शी पुट हर बैग नेक्स्ट टू हर, नेक्स्ट टू हर, नॉट हर सेल्फ. अगर आपने हर सेल्फ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा. देख लीजिए इसमें प्रेपोजिशन, अभी अभी हमने रूल पॉइंट आउट किया, यहाँ पर टू के बाद हमेशा आ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, हेयर इज द पर्सनल प्रोनाउन. अगर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है हमारे पास, देन वी कैन मेक यूज ऑफ द, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इनके, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस के उसमें हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन को. सो दिस इज समथिंग अबाउट द रूल अबाउट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस एंड द पर्सनल प्रोनाउन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेंटेंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. One more sentence is there. We can talk here about one more sentence that is also an important type of sentences. Suppose he came out of the interview. He came out of the interview looking pleased with himself, looking pleased with himself, looking pleased with himself. Again, pleased, again verb and preposition. हमने अभी rule out किया था, यहाँ पर verb है, ये क्या है, preposition है. They take always a, they take always a reflexive pronoun, reflexive, reflexive. इससे पहला जो हमने सेंटेंस किया था कि ओनली प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या लिया था, ओनली प्रेपोजिशन के बाद हमने लिया था, ओनली प्रेपोजिशन जब थी सेंटेंस में तो हमने लिया था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. ही केम आउट ऑफ द इंटरव्यू लुकिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. अगर आपने यहाँ पर हिम लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस. अगर आपने हिम इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो दिस इज द, नाउ आई वुड लाइक टू गिव सम असाइनमेंट, अ फ्यू सेंटेंसेस हियर फॉर यू टू डू. दैट इज इफ आई मेक ए लिस्ट हियर, वन सेंटेंस, द बॉयज हिड, the boys hid themselves, hid themselves, I said, dobara rewrite it, the boys hid themselves. आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका आपने बताना है कि whether they are reflexive or emphatic pronouns. One more sentences. The town itself, the town itself is not very large. इस सेंटेंस में अगेन आपने ये बताना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये, या ये इम्फेटिक प्रोनाउन है. अगेन वन मोर सेंटेंस इज देयर, जिम had the money, Jim had the money with, आपने यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपने इसमें क्या भरना है, him या himself. अभी अभी हमने रूल्स की बात की थी, उसमें से आपने इसमें चूज करना है. नेक्स्ट वन इज, डोंट डिसीव डोंट यू डिसीव योर सेल्व्स.
योर सेल्फ. सो आपने फिर अगेन बताना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है. वन मोर सेंटेंसेस. दे एन्जॉयड themselves. They enjoyed themselves. आपने फिर यहाँ पर बताना है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है. दीज आर दी वन मोर सेंटेंसेज. दी पुअर विडो पॉइजन्ड हरसेल्फ. पॉइजन्ड हरसेल्फ. फिर आपने ये बताना है ये योर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है. सो दिस इज समथिंग अबाउट फॉर यू अबाउट दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स एंड दी इम्फेटिक प्रोनाउन्स. और वन मोर सेंटेंसेस वेदर यू आर टू मेक यूज ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन और अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस वेरी सेंटेंस. थैंक यू सो मच.